नयनाइश में आप लोगों का स्वागत है। गृह विभाग ने रोस्टर जारी कर दिया है। बिहार में दरोगा बनने का यह सुनहरा अवसर है। 1288 पद निकाले जाएंगे, जिसमें कि खेलकूद कोटे से 12 सीटें आरक्षित की गई है, वह खेलकूद कोटे से भरी जाएगी। और महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है इसमें, जिसमें कि 455 सीट पे महिलाएं भर्ती होंगी। यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। आपको एक सीट इसमें रिजर्व करना है, एक सीट आपको पाना है। इसके लिए आप अभी से ही मेहनत करने लग जाएं। बिहार में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है क्वेश्चन का हिस्ट्री से रहता है, तो हिस्ट्री की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। 5-6 सब्जेक्टों पे मेहनत करके आप बिहार में दरोगा बन सकते हैं। हिस्ट्री हुआ आपके पास, ज्योग्राफी है और साइंस है, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन रहते हैं, और जो पॉलिटी से रहते हैं 10 क्वेश्चन, करेंट अफेयर और मैथ और रीजनिंग। इतनी चीज़ें पे अगर प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दें, सिलेबस को कवर करें, तो आप ज़रूर निश्चित तौर पे जो है एक सीट निकाल सकते हैं। मेंस में आपका, प्री में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहते हैं, और लेकिन मेंस में आपको जो है 2 पेपर रहेंगे और वो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। पहला पेपर क्या है, हिंदी का पेपर रहता है। दूसरा पेपर जो सेम प्री में रहता है, उसी तरह का पेपर बहुविकल्पीय क्वेश्चन के रूप में मेंस में जीएस का उसमें रहता है, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग भी पूछे जाते हैं। लेकिन सिलेबस इतना टफ नहीं है बिहार दरोगा का जितना कि बीपीएससी का टफ है, और क्वेश्चन उस मात्रा में उतने हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, जिसके कारण कई बार मेरिट भी बढ़ जाता है। लेकिन सिलेबस इतना टफ नहीं कि आपके समझ में ना आए, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि आप कर ना पाएं, लेकिन मेहनत बहुत है, क्योंकि बहुत से लोगों का सपना है कि बिहार में दरोगा बने। बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें एग्जाम में बैठते हैं, तो आपके लिए एक सीट निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए और सक्सेस होने के लिए। यह बिहार दरोगा का सीट निकाल करके आप सक्सेस हो सकते हैं। अपने पे कॉन्फिडेंस रखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं, ना आप कोई एग्जाम निकाल सकते हैं। तो आप जितना भी पढ़ाई करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, और उसका एक नोट्स तैयार करते रहें। जितना भी पढ़ाई करें, थोड़ा थोड़ा लिखते रहें, जिससे कि आपका एक नोट्स तैयार होता रहे। 4-6 महीने में आपके नोट्स लगभग काफ़ी हद तक तैयार हो जाएंगे। अगर आप 8-10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके नोट्स भी तैयार होंगे और आपका एग्जाम भी निकलेगा। इस विश्वास के साथ आप पढ़ाई करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।